जय गौ माता की, जय भारत माता की। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि माँ भगवती कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो विषय है वो रक्षाबंधन को लेके है, क्योंकि बहुत से कॉले आ रही हैं और सभी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि रक्षाबंधन आखिरकार हम किस दिन मनाएं, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर जो है ऐसी जानकारियां फैल रही हैं, कोई 12 तारीख को, कोई 11 तारीख को। तो मेरा आज लक्ष्य ये है कि मैं आप तक एक सटीक जानकारी के साथ इस त्यौहार की जानकारी आपको दे पाऊँ। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो ज़्यादातर चर्चा में 11 तारीख को है, पर 11 तारीख की बजाय इसको 12 तारीख में मनाना ज़्यादा शुभ रहेगा। उसके पीछे कारण क्या है, आइए कारण को जानते हैं। हालांकि ये त्यौहार जो है हर साल चर्चा का ही विषय रहता है, इसमें भद्रा का संयोग जो है वो जरूर देखने को मिलता है, और जिस वजह से जो है मानसिक भ्रांतियां बहुत ज्यादा फैल जाती है। और जिस त्योहार में यदि मानसिक भ्रांतियां हैं, मन संतुष्ट नहीं है, वो त्योहार हम लोग मनाकर भी नहीं मना पाते हैं। तो आइए कारण जानते हैं। कारण क्या है कि 11 तारीख को 10:39 पे पूर्णिमा प्रारंभ हो जाती है और साथ में ही भद्रा भी प्रारंभ हो जाती है। तो बीच में 1 घंटे का विजित मुहूर्त आता है जो कि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में है, और इसमें दुष्ट मुहूर्त भी है। तो पूरा का पूरा दिन जो है राखी के लिए शुभ नहीं माना जा सकता है। हम 12 तारीख को है ज़्यादा शुभ मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है पूर्णमासी सुबह भले ही वो 1 घंटे की है, 7:06 तक की, पर धर्म का एक विधान है, शास्त्र का एक विधान है कि जो तिथि सूर्य उदय के समय पर है वही पूरा दिन मनाई जाएगी। अर्थात इस दिन हम निसंकोच बगैर किसी शंका के इस त्योहार को अच्छे से मना सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। परंतु 11 तारीख में जो है बाधा है, 12 में कोई बाधा देखने को नहीं मिलती है। तो शुक्रवार के दिन आप इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाइए, और आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, और खुशी के साथ प्यार के साथ इस त्योहार का आप लोग लुत्फ़ उठाइए, भ्रांतियों से दूर रहिए, भ्रमित मत होइए। वीडियो को आप शेयर करिएगा, स्वयं भी इस जानकारी से रूबरू होइएगा और औरों को भी इस जानकारी से रूबरू करवाइएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय गौ माता की, जय भारत माता की। फिर किसी नए विषय पर चर्चा के लिए ज्योतिष साधना केंद्र पर आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय गौ माता की।